स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज है 7 फरवरी 2021, लोकल केंजियन टाइम जो हो रहा है लगभग 12:30 या 1। और आज का ये जो व्लॉग है स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस लोकल केनियन यूट्यूबर से, जो एक ट्रैवल व्लॉगर हैं जिनका नाम है डी। और आज मैंने सोचा एक डिफरेंट व्लॉग आप सबके साथ में करता हूँ, और कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों से, दो ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं केनिया में, और लाइक वन ऑफ द गुड, एंड उनके कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें मैं भी आपको बाद में बताऊँगा, दिखाऊँगा सारी चीज़ें। तो मैं सोचा कि पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो सी इज़ डी, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस हर, एंड वो आपको सारी चीज़ें बताएंगी कि भाई ये जर्नी उनकी और हमारी, जो हमारी भी मीटिंग हो रही है, वो कैसे पॉसिबल हो पाई। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हर, शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई कैन ग्रैब 1, 2, 3, 1। सो भाई लोगों, सो फाइनली आज का जो व्लॉग है वो मैं डी के ऊपर बनाना चाह रहा था कि मैं उनसे मिलाता हूँ उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, और मेरा काफ़ी मन था उनसे मिलने के लिए। सो फाइनली आज हम यहाँ पे हैं, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि डी ने टाइम निकाला हमारे लिए। ओ सी सेइंग लाइक दिस, सो नाउ यू कैन से मैंने डी को ट्रेनिंग दे दी हुई है। सो नाउ आई विल से टू डी, डी विल से समथिंग टू यू गाइज, स्पेशली फॉर एंटायर इंडिया। लेट्स, hey guys, hope you fine. Thank you so much for watching this video. My name is Dee Mwango. I'm a Kenyan based YouTuber in Africa, and I'm so glad to have met him, you know. Yeah. Hope you wanna enjoy this video. Consider subscribing if you haven't, and you can also check my channel Dee Mwango and show some love, of course. And if you're watching this and from Kenya, do the same, go leave a sweet comment. Dee Mwango sent me here, okay? So, and just say what I told you. Namaste. No problem. Namaste. Oh, namaste. So bhai, D is saying namaste hum sabko, namaste sare, India. Yeah, good. And I should say what I should say, karibu. No, karibu is mein welcome. Wait, I'm forgetting yaar, sasa right, sasa, so sasa, yeah sasa bhai, to sasa pure kenya ko, pure africa ko, finally abhi hum bhai baithe hain dk sath, aur kafi acha hai hamara conversation, and she is really really funny, and inke bhai vlog dekhoge to faadu vlog hai, means aap ek bar dekhoge zarur, main already inhone apna channel ka wagaira sab kuch bata diya hua instagram pe, to please inko aap subscribe zarur kariyega, follow zarur kariyega, सारे भाई लोगों इंडिया सी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ सी इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया, सो ऑफ कोर्स नाउ सी इज हैविंग, आई एम सेइंग टू देम लाइक, नाउ यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज फैमिली इन इंडिया फॉर श्योर, एंड ऑफ कोर्स आर हम भाई लोगों, सारे लोगों जो भी ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ जब भी डी आए इंडिया में तो इनका वेलकम दबा के करना, धमाके के साथ करना, बैंड बाजे के साथ करना। आई एम सेइंग दैट यू शुड, ऑल गाइज शुड बी रेडी विद ढोल नगाड़ा, व्हाट यू से इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट। सो भाई ये था एक वीडियो, मैं सोचा कि डी के साथ मैं बात करता हूँ, बाकी चीज़ें भी मैं अभी डी से बात करूँगा, और आज काफ़ी प्लान है, एंड सी इज़ क्वाइट बिजी बिकॉज सी विल बी मूविंग टू मुंबासा टू और आफ्टर टुमारो समथिंग लाइक दैट, एंड अगर टाइम मिला तो हम मुंबासा में फिर से मिलेंगे, और काफ़ी व्लॉग अभी हम बनाने वाले हैं साथ में, और काफ़ी अच्छा है। और आज मेरा, क्योंकि मैं कल काफ़ी टाउन घुमा हूँ मॉरिन के साथ, सो मैं उन्हें भी आपको जरूर बताऊँगा, इंट्रोड्यूस कराऊँगा ऑलरेडी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एटलीस्ट दैट आई मेट विद दिस पीपल, एंड आई एम लविंग इट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो आप लोग बार बार बोल रहे थे कि भाई अफ्रीका में अंदर निकलो, लोकल लोगों से मिलो आप जाके, और अंदर बैठ के उतना मज़ा नहीं आने वाला है, वो चीज़ मुझे पता है फ्रेंड्स, उस चीज़ को मैं ध्यान में रख रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोकल आऊँ, लोकल लोगों से मिलूँ, और जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट आप सबके लिए, अपने लिए, अपनी इस मेमोरी के लिए, ही चेकिंग अक्रॉस अफ्रीका ऑल 54 कंट्रीज़, जो मेरा ड्रीम है, एंड विच आई एम गोइंग टू डू। आई स्टार्टेड डूइंग दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, भाई लिफ्ट में मांग रहा था बट लिफ्ट नहीं मिल रहा था मुझे आज, फिर भी मैं आई फॉर कमिंग टू यू, फॉर मीटिंग यू, आई वॉज टेलिंग हर दैट आई स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट हिच हाइक लाइक लिफ्ट, बट आई वॉज नॉट गेटिंग, सो आई वॉक फ्रॉम माई प्लेस टू टिल डी प्लेस, भाई वहाँ से लेकर डी के प्लेस तक मैं वॉक करके आया हूँ भाई, और एंड फाइनली, और जब यहाँ पे पहुँचा तो भाई हमें लिफ्ट, ये इट्स विच फ्लोर, 7th फ्लोर, या सो भाई डी ने बोला कि लिफ्ट तो काम कर नहीं रहा है यहाँ पे, तो भाई हमको चढ़ चढ़ के आना पड़ा, ऑलरेडी मैं थक गया हूँ, कल भी काफ़ी थक गया था मॉरिन के साथ जब मैं था, सो इट्स क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस टिल
टुडे एंड फाइनली ये वीडियो हम बना रहे हैं एंड नाउ आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम डी बिकॉज या ऑफ कोर्स सी इज सुपर डुपर सो समथिंग इज लाइक दैट. तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई कि और आपकी कुछ ख्वाहिशें हों, कुछ फरमाइशें हों जो स्पेशली डी से आप लोग देखना चाह रहे हो वीडियो में, और उनके जो कंटेंट हैं जो वो बनाती हैं स्पेशली यहाँ पे लोकल लोगों के लिए, लोकल लोगों के पास जाके, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इनसे ज़रूर मिलता हूँ और कहीं ना कहीं इनको और मोरिन को आप सबसे मैं इंट्रोड्यूस करा सकूँ और ताकि हमारा भी भाई अफ्रीका में एक अच्छी जर्नी की शुरुआत हो सके. फाइनली डी इज बैक. So welcome, स्वागत नहीं करोगे डी का इंडिया में और अफ्रीका में? So you just ask any question and feel free, then yeah, I wanna give my honest opinion. Exactly. Yeah. So भाई जो मैं पूछना चाहूँगा डी से सबसे important चीज कि भाई डी के smile का और डी के इस YouTube journey का जो motivation inspiration है वो कहाँ से होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं सोचा कि मैं खुद सीखूँ, मुझे भी ये चीज़ चाहिए of course, क्योंकि भाई अफ्रीका में आ चुका हूँ, अफ्रीका की धरती. So, D, I'm gonna ask like, what is the inspiration and motivation for your smile first? Because you do like this, oh my God, I'm not sure. This is gonna make crazy to all Indian people. And second, and like, how you act like this way in your vlogging life and your YouTube life, daily routine? Okay guys, so what really inspires me to keep on pushing Moso on YouTube is I'd really love to inspire people and also give people hope, you know. First of all, I've been born and raised in the village, so I'm not that city girl, so I really have a lot of experience being a village girl, and I also felt like people need to be inspired, you need to give people hope. So I felt, let me just show them like it's really possible and you can achieve whatever you want despite the place where you come from. And that's what really keeps me moving, you know. Whenever I do my videos, I always tell people it's possible, you can do this, you can do that. At the end of the day, it doesn't matter where you come from, and that's really one of my major motivations that keeps me going each and every day. That's what I wanted to learn from her especially, to be honest, because this is the best thing भाई कि जो अपन को करना चाहिए, जो भी हमें अच्छा लगता है, चाहे वो जैसा भी हो, आप जैसे भी हो, नेचुरल हो, जो भी आपको समझ आता है भाई आप वो करो, यही चीज़ अपन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को शायद वो चीज़ें समझ में आए. सेकेंड थिंग विच डेफिनेटली आई एम गोना आस्क फ्रॉम यू इज दैट लाइक हाउ यू रिलेट योर इंटायर जर्नी लाइक न फ्रॉम डे वन till today, yeah for as a vlogger, because I'm sure every single vlogger in his life has such kind of fear, hesitation, you know. So how you came, like you overcome all those things and all fears to start talking like n number of people, oh come on, let's go here and there, now you are like blend so much like this way. So how this happened? Okay, what I'd like to say is the journey was not really really smooth as you begin, because in everything there's that first step, you know. A journey of 1,000 miles starts with one step, and it's always not that easy. Even when you're starting a business, if you're an entrepreneur, you're a student, it's your first day in school, there are always challenges, but all you need to do is keep focused and don't give up. Like for me, like I really want to motivate people out there, so I just keep pushing myself, like I need to do this, I need to maybe win us all out there by just encouraging these people, because I target the young and also the old, because life is all the same, it doesn't matter if you're old, if you're young. So when you keep on inspiring people, it really really motivates. When you share your life experience with others, they can kind of relate and they can actually understand what you're doing, and when they see like maybe fruits, they also feel, oh, so I can also make it. Exactly. You know, so it also keeps them motivated in whatever they are doing. Then secondly, for the love that I have for YouTube, I can't just share it with anything. I'm a student, you know, in my final year, but I really spend most of my time creating this, because I know school is there, and you know, schooling can never end. Each day in our lives we continue learning, but I just balance, I make sure I do my exams so well, but my heart remains on YouTube. Like I really love creating content, because I meet so many people. Like now I've met you, we've shared a lot, you really make friends and life really becomes easy, you know. You just go to a new place, somebody tells you, oh dear, I watch you, welcome, you know. It really feels good when you connect with people all over the world. Exactly. You know, friendship is everything, and real life now is the real thing away from the class life, you know. You really get to learn a lot which you can never be taught in class.
Exactly. Yeah. And bhai, that's the best part which I loved about D, because as you guys are aware that whenever somehow you are a YouTuber or you are a content creator, in certain point of time we always feel like that, oh, don't talk with this guy, don't talk with that guy, just because of that ego or something like that. But that's the best part thing, you have to be humble in this world. If you want to be successful, be humble and be accommodative, you know. Be open-minded, be ready. I want to meet him, even if I've never seen him, let me just go meet him, you know, because you never know what will happen. Because like him, I've met him and I've really learned a lot of things which I didn't know, and I was like, oh, so I've been really missing out. So it's always pleasure. Just always be humble, be good to people. When you're good, you also meet people of your caliber, of your type. If you crook, you also meet such people in life. यही चीज़ भाई मैं सबसे बोलता हूँ कि जर्नी जो होती है, ट्रैवलिंग जो होता है, वो मोस्टली पर्सन टू पर्सन होना चाहिए, नॉट जस्ट प्लेस टू प्लेस. बिकॉज जितने लोगों से आप मिलना चाहोगे, जितना मैक्सिमम आप लोगों से मिलते हो भाई, उतना ज़्यादा आप सीखते हो. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम, दैट एज मच एज यू आर गोइंग टू मीट पीपल इंस्टेड ऑफ प्लेसेस, दैट्स व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इन योर लाइफ. बिकॉज दीज काइंड ऑफ मोटिवेशन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंस्पायरिंग विच यू गेट फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन इन अक्रॉस द वर्ल्ड. सो भाई, दैट्स व्हाट आई थॉट, कि मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ. And finally, I got this chance. Yeah, welcome to Kenya. Kenya is really friendly. Like, I know you want to enjoy it here. And yeah, but everyone is talking to me, Ans, don't go here, don't go there. So Kenya, now you can tell them, should I be scared and that kind of things? Or don't, because I'm in, now I am in your safe hand, Maureen hand. So I'm not going to... So nothing is going to happen to me for sure. And of course, when you don't break any laws, like, you can't get any problem. You know, you're not stealing anything from somebody. You're just a free spirit doing your things. Of course, no problem. So bhai, yahi cheez main bolna cha raha tha ki hai, thoda bahut har jagah hota hai. Safety and unsafety, you will find everywhere across the world. Every place you will find. And every country has its own advantages and disadvantages. Exactly. There are good people everywhere. There are bad people everywhere. You know? So bhai, apne ko ye hai ki aap kis cheez ko kaise leke aage बढ़ते हो. यही चीज मुझे करनी है, वही चीज मैं खुद आप लोगों से एक मोटिवेशन लेके अपनी जर्नी स्टार्ट किया हूँ, और जो मेरा ड्रीम है कि मैं इसको कर पाऊँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस मोटिवेशन, इस इंस्पिरेशन के साथ, ऐसे लोगों के साथ मिल के मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाऊँगा. एंड आई एम होपफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो भी मेरे साथ हमेशा आप सब जुड़े रहते हो, प्यार किया, सपोर्ट आप दिखाते रहते हो. प्लीज़ वो बना के रखना. एंड ऑल्सो नाउ ट्राई टू वेलकम हर एंड एज मच एज यू कैन. जैसे ही ये भाई इंडिया में आती हैं, I'm gonna help her a lot. I'm sure, and definitely I wish her that जैसे ही इंडिया में भाई लैंड करें, इनकी जर्नी धमाकेदार हो. एंड दैट्स वॉट इवन आई एम एक्सपेक्टिंग इन केनिया. लाइक आई एम गोइंग टू मीट एन नंबर ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी, डिफरेंट कम्युनिटी. एंड स्पेशली द अनाउंसमेंट विच आई हैड टोल्ड यू गाइज, दैट आई एम द वन हु इज गोना मीट ईच एंड एवरी सिंगल ट्राइब्स ऑफ इंटायर अफ्रीका. दैट्स वॉट माई मोटो, दैट्स वॉट माई जर्नी. सो भाई, वो चीज़ मेरी विश है, मैं जरूर करना चाहूँगा. जितना भी मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे सपोर्ट लोकल मिलता है, आई एम गोना डू. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे व्लॉग फ्रेंड्स. एंड अगेन, please make her again big. Thank you. and support as much as can. And also थोड़ा अपने भाई को भी ख्याल रखना, मुझे भी ख्याल रखना, ध्यान रखना, और कोशिश करना भाई कि आपका भाई अफ्रीका में कहीं गायब ना हो. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स टुडे व्लॉग, एंड आई एम होपिंग वी आर गोना एन्जॉय अ लॉट. सो थैंक यू सो मच. लेट्स लूज एंड जस्ट नाउ डी, यू नीड टू से let's roam India in Africa with Ansh Mishra. let's roam India in Africa with Ansh Mishra. Yeah, Ansh Mishra. Finally we made it. So again, now I'm gonna give hug. Finally, like, this is not a social distancing. So this is all about friends. See you signing off. Yeah. Bhai, milte hain. Ye tha aaj ka hamara vlog. और अभी हम जल्दी मिलते हैं डी के साथ समवेयर इन मुंबासा. एंड ऑल्सो मच मोर इज कमिंग. सो भाई वेट करना, जल्दी हमारा धमाकेदार जर्नी अफ्रीका का स्टार्ट होने वाला है. टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, चाओ.